My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic जो कि Paper 1 के से related है and that is communication. So, काफी recent years में कुछ नए topics add हो गए हैं syllabus में जिनको cover करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because जो recent questions आ रहे हैं past years में वो ज़्यादा से ज़्यादा नए topics से ही cover किए जा रहे हैं. इससे पहले अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो ऊपर दिए गए iCard link पे click करके आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको regular updates मिलती रहे. अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आज मैं कवर करने वाला हूं उसमें से एक एस्पेक्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन. सो आई होप कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आए वो सॉल्व कर पाए. सो जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं सो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्लासरूम में कम्युनिकेशन होगी जो कि बच्चों को कुछ नई चीजें सिखाने के लिए है उसमें कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे है. सो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड लेक्चर. जब भी आपका कोई टीचर लेक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है आपको क्लासरूम में सिखा रहा होता है अगर आप कम्युनिकेशन उससे ठीक से नहीं करते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो जो भी आप लर्न करने वाले हैं जो भी आपको लर्निंग मिलने वाली है या जो भी वो आपको सब्जेक्ट में सिखाने वाला है ये सारी चीजें आप ठीक से नहीं सीख पाएंगे. सो आपकी लर्निंग स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है और आपकी लर्निंग स्टाइल तभी अच्छी हो पाएगी जब आप उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन को समझ पाएंगे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग स्टाइल्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब स्टूडेंट हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है. कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं कुछ स्टूडेंट्स रियल लाइफ सिचुएशन से ज्यादा समझते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट से ही चीजों को ग्रैप कर लेते हैं. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं जब आपका टीचर कम्युनिकेट कर रहा है क्लासरूम में तो वो इस चीज को इंश्योर करे कि स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है कि नहीं. अब स्टूडेंट लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका टीचर है वो आपकी प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल्स को समझे. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि काफी सारी लर्निंग स्टाइल्स हो सकती हैं सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी लर्निंग स्टाइल को समझे तभी वो आपके लर्निंग आउटकम्स को इम्पैक्ट कर पाएगा. अगर वो जो कहना चाह रहा है जो वो आपको समझाना चाह रहा है अगर वो चीज आप तक पहुंचेगी नहीं ठीक से तो आप कुछ भी लर्निंग नहीं ले पाएंगे. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का प्रिफर्ड लर्निंग मोड्स होता है वो काफी सारे फॉर्म का होता है उसमें से वन ऑफ द फॉर्म है विजुअल लर्निंग मोड. इस लर्निंग मोड को तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जैसे कि वर्ड ही आपको कह रहा है विजुअल मतलब जब भी आप कुछ चीजों को देखते हैं दैट इज इमेजेस मैप्स ग्राफ्स या जब भी इन सारी मेथड्स के थ्रू या इन सब मोड्स के थ्रू आपको कोई भी कंसेप्ट सिखाया जाता है तो आप एज अ स्टूडेंट इन चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाते हैं. तो एक तो विजुअल लर्निंग मोड हो गया. सेकेंड लर्निंग मोड के बारे में बात करें ऑडिटरी. जैसे कि वर्ड लिखा हुआ है ऑडिटरी लर्निंग मोड इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम जो भी कम्युनिकेशन करेंगे या जो भी चीजें आपको सिखाएंगे वो ऑडियो के बेसिस पे होगी. सो जो भी आप लेक्चर सुन रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं या फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बारे में बात करी थी तो जब भी आप इन मेथड्स का यूज करते हैं वो एक आपका प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल हो सकता है जिसमें आपको चीजें बहुत ढंग से समझ में आ सकती हैं. आगे बात करते हैं थर्ड लर्निंग मोड मेथड के बारे में रीड एंड राइट लर्निंग मोड. यहाँ पे ये स्टूडेंट्स बात हो रही है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रीड करने से और साथ ही साथ लिखने से कंसेप्ट को ज्यादा अच्छा ग्रैप कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्ट मैथ्स. अगर आपने मैथ्स के कंसेप्ट समझ भी लिए हैं तो अनटिल अनलेस आप उनको प्रैक्टिस करते हैं आप उनके नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप उन कंसेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे. सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट प्रिफर्ड लर्निंग मोड है दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग मोड. लास्ट देखते हैं काइनेस्थेटिक्स. अब इस टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी दैट इज काइनेस्थेटिक्स एंड विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट. सो जब भी हम मूवमेंट के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू कोई भी लर्निंग मेथड को यूज करते हैं या किसी भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उसे हम काइनेस्थेटिक लर्निंग मोड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लॉक वर्क्स बाय पुटिंग वन टुगेदर. अब अगर हमें ये सीखना है या आपको सिखाना है स्टूडेंट को कि क्लॉक किस तरह वर्क करती है और हम उसे प्रॉपरली मूवमेंट करके दिखाएं क्लॉक का तो वो उस चीज को जल्दी ग्रैप करेगा और ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएगा. तो ये एक बहुत ही प्रिफर्ड लर्निंग मोड हो सकता है. अब स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज बैरियर टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. हमने पहले भी अपनी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वीडियो में बात करी थी कि काफी सारे बैरियर्स हो सकते हैं. अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने कुछ सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में पढ़ा था जो कि वर्ड से रिलेटेड होते हैं. फिर हमने पर्सनल बैरियर के बारे में बात करी थी जो लोगों के पर्सनल इश्यू से रिलेटेड हो सकते हैं.
फिर हमने साथ में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में बात करी थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे जेड टेपिज्म या फिर पॉलिसीज में इश्यूज। रेस्ट हमने एक और बैरियर के बारे में बात करी थी, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इन कुछ टाइप्स ऑफ बैरियर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप क्लासरूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है तो किस टाइप के बैरियर हो सकते हैं। सो आइए देखते हैं। पहला है लैक ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आप ठीक से सुन नहीं रहे एज अ स्टूडेंट, अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप क्लास के बाहर देख रहे हैं, आप चीजों को ठीक से ग्रैप नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा और आप कोई भी चीज नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन बैरियर। अब कई बार स्टूडेंट्स क्लास में आपने ऐसे एग्जांपल्स देखा होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट इस चीज को जाने बिना सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा होता है तो उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बैरियर हो जाता है जब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस लैंग्वेज में कंसेप्ट को ग्रैप नहीं कर पाता। तो ये बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि टीचर को पता हो कि उसके हर स्टूडेंट उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट बैरियर देखते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। अब हमने एक टॉपिक कवर किया था अपने कम्युनिकेशन के वीडियो में जहां पे हमने बात करी थी कि हर इंसान अलग अलग वैल्यूज और परसेप्शन से आता है। फॉर एग्जांपल किसी चीज का मीनिंग आपके लिए कुछ और हो सकता है एंड अदर पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड चीप। अब चीप वर्ड किसी के लिए ये हो सकता है गंदा भी हो सकता है, और किसी के लिए चीप वर्ड हो सकता है कि बहुत सस्ता प्रोडक्ट, बहुत सस्ता मिल गया, बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल गया। तो इसी तरीके से आप किस कल्चर से आते हैं, किस डोमेन से आते हैं, वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड्स की क्या कनोटेशंस हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से भी काफी ज्यादा बार बैरियर और कंफ्यूजन हो सकती है। सो इस चीज को भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। अब कई बार होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज माइंड से आया है, उस टाइम पे वो प्रेशर में है या फिर उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, इसे एक तरीके का साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं। अब इस टाइम पे अगर टीचर उसे कितनी भी सिंपल लैंग्वेज में समझा ले, कितनी भी एग्जाम्पल देके समझा ले, वो उन कंसेप्ट को ग्रैप नहीं कर पाएगा। सो कई बार एंजाइटी या फिर पर्सनल इश्यूज की वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स। अब कई बार आपने कुछ केसेस सुने होंगे कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग सम ऑफ द इश्यूज ड्यू टू हेल्थ। सो अब कई बार अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं या आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है। इसमें हम ज्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट हम ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो ऐसे कुछ बैरियर्स फेस कर रहा है या फिर जिसे मेंटल डिसऑर्डर है, तो हम उसे कंटिन्यूअसली पूछते रहें कि वो हमारी सारी चीजों को ठीक से समझ पा रहा है या नहीं। आगे बात करते हैं पुअर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कई बार हमने एग्जांपल्स देखे होंगे कि जब भी हम किसी बड़े सेमिनार में होते हैं और एक स्पीकर माइक का यूज कर रहा होता है और किसी तरीके से उसकी वॉइस ऑडिबल नहीं होती है ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर और ड्यू टू सम इश्यूज इन द लाउड स्पीकर और स्पीकर्स, तो काफी ज्यादा बार चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और इसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं जागन वर्ड्स। अब जागन एक टाइप का सिमेंटिक बैरियर है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेट अस से कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है बात करने के लिए और वो कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में यूज कर रहा है अपने पेशेंट्स के साथ, तो ऑब्वियसली पेशेंट्स उन मेडिकल टर्म्स के बारे में अवेयर नहीं है, उनके बारे में उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे चीजों को समझ नहीं पाएगा और यहाँ पे वो कुछ और कम्युनिकेट कर देगा। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम किसी क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगी उन चीजों के बारे में, तो हम बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज करें ताकि हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। अब कई बार आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप अच्छे मूड में नहीं हैं, आपकी तबीयत सही नहीं है, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस केस में भी अगर अच्छी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाए तो वो नहीं हो सकती है, बिकॉज आप अपने मेंटल स्टेट में नहीं है कि आप चीजों को राइट तरीके से समझ पाए। तो ये इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट असेंशियल चीज ये है कि आप उस कम्युनिकेशन में एक लास्ट स्टेप ध्यान रखें, दैट इज फीडबैक। सो जहां पे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर आप लास्ट में फीडबैक का ध्यान रखते हैं, अगर आप फीडबैक लेते हैं कि क्या चीजों को ठीक से समझ में आया है स्टूडेंट्स को या फिर किसी और पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सो हमें इन सारे बैरियर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आई होप कि आज जो हमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और आप इन
इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल अनुज जिंदल. ऑल्सो हमने अपने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे कोर्स को ईजी रेट्स पे परचेज कर सकते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.